की ज़रूर सपोर्ट कर रही हूँ मैं बिकॉज आई बिलीव इन द कॉज. और शिक्षा प्रॉक्टर एंड गैम्बल की तरफ से एक ऐसा इनिशिएटिव है जो आई डोंट थिंक इट कैन गेट बेटर देन दिस, इट कैन नॉट गेट स्मार्टर देन दिस. हम बिना कुछ करे इस कॉज को इतना सपोर्ट कर सकते हैं बिकॉज बाय ऑल द प्रोडक्ट्स वी बाय एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई थिंक बाय यू नो रीचिंग आउट टू एवरी वन थ्रू द मीडिया, आई थिंक रीचिंग आउट टू ऑल द पीपल बाय मेकिंग देम रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन. चाहूँगी कि इट्स अ फैंटास्टिक एंडेवर बाय वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज दैट वी हैव इन आर कंट्री. इट्स वेरी गुड टू सी, बहुत अच्छा लग रहा है कि एक प्राइवेट कंपनी इतना कुछ कर रहा है फॉर चिल्ड्रंस एजुकेशन, जो कि ये एक जगह है इन आवर कंट्री दैट नीड्स अ लॉट ऑफ अटेंशन. बच्चों की एजुकेशन से बेटर इशू क्या हो सकता है? और एक बड़ा कॉरपोरेट जो एक्चुअली मल्टीनेशनल है, इंडिया में 1.5 लाख बच्चों तक यू नो इन्होंने अपनी एजुकेशन का बेनिफिट पहुंचाया है. ये भी एहसास दिलाना कि यू नो एजुकेशन से ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है. एंड यू नो बाय जब भी हमारे पास वक्त हो हम स्कूल्स में जाने की कोशिश करते हैं, तो वंस दैट हैव बीन यू नो स्पॉन्सर्ड बाय शिक्षा एंड दैट्स अ लिटिल बिट वी आर डूइंग अ बिट. आई होप एवरीवन डज देयर बिट एज वेल. Something that we can't afford to ignore today. The fruits of it will pay off tomorrow. तो लोग यही सोचते हैं कि अगर इसका रिजल्ट आज नहीं देखा जाएगा तो why make an effort into it? But then it's something that's really important for the future. No, it was a fantastic experience, and for me to be on screen with Ash and Akshay is always wonderful. They're great actors, I've always looked up to them. For me, it was an education to watch them.